आज हम लेकर आए ये दो बाइकें और अपनी ये गुरु ड्यूक जानते ही होंगे, आपने बहुत बार देखी होगी हमारी वीडियोस में ये ड्यूक किसकी है। तो निशांत भाई की ड्यूक है, BS6 वेरिएंट है और ये BS7 वेरिएंट, ये Gen 3 है। तो आप लोग देख सकते हो Gen 3 में बहुत ज़्यादा अपग्रेड हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, गाड़ी का लुक चेंज हो गया, गाड़ी का इंजन चेंज हो गया, गाड़ी का एग्जॉस्ट चेंज हो गया, लगभग इन्होंने सब कुछ चीज़ें चेंज कर दी है। और मेरे ख्याल से राइड बाई वायर है ये राइड बाई वायर है और वो देखो भाई थ्रॉटल वाला है वो मसला। तो ये बाइक में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चेंज कर दिए गए हैं और इसमें सस्पेंशन आ गया। तो ये ड्यूक मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आई है तो इसीलिए मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ अपनी ओल्ड BS6 ड्यूक से और मैं देखना चाहता हूँ परफॉर्मेंस में कितना क्या फ़र्क है। आज मैं इसको कंपेयर करके देखना चाहता हूँ टॉप एंड में फ़र्क है कि नहीं है, वो कितना जा रही मुझे नहीं पता, नहीं आइडिया है ना वो कितना अभी जा रही आइडिया नहीं है, क्योंकि सुबह के टाइम विंडब्लास्ट ज़्यादा रहता है तो इसलिए गाड़ी का पोटेंशियल नहीं निकल पाता है। तो आज हम अपना पोटेंशियल इन दोनों बाइकों को निकालेंगे। मेरा वेट है 73 kg, तो बाइक का भी वेट 70+ ही है, 75 kg। तो हम लोग 70 kg के राइडर हैं और जो लोग 60 kg के राइडर हैं वो लोग प्लीज़ कमेंट में ना बोले कि मेरे पे ज़्यादा भागती है, ऐसा कुछ ना बोले, वेट से फ़र्क पड़ता है, 5-6 की स्पीड कम हो जाती है। पर कोई बात, रिजल्ट आपको बिल्कुल जेन्युइन ला के देने वाले हैं। तो अभी हम लोग चला लेते हैं VS3 Gen 3 ड्यूक हम चला लेंगे। VS3 कह रहे Gen 3, हाँ Gen 3 ड्यूक हम चला लेते हैं और निशांत भाई चलाएगा अपनी ड्यूक। तो जल्दी शुरू करते हैं, परफॉर्मेंस फिगर आप लोगों को पता ही होंगे और आप लोग कृपया ये सब चीज़ें मत ट्राई करें, देख सकते हो बिल्कुल ब्लैंक रोड है, इस ब्लैंक रोड पर हम लोग करने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रैक रेस को और मैं आ गया हूँ देखो कॉकपिट पे, क्या यार डिस्प्ले लगता है इसका, इसका पंच बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? भाई ये 160 कर रही है, 160 बिना स्लिप स्ट्रीमिंग के, और अभी आप लोगों ने देखा कि उसने भी नया रिकॉर्ड बना दिया 157 का। अभी तक मतलब कोई नहीं पहुंचा पाया इतना टॉप एंड, 157 मेरे वेट पे गई है, तो सोचो अभी इसके आगे और तगड़ी बाइक लगेगी। हाँ
तो अभी आप लोगों ने रिजल्ट तो देख ही लिए होंगे कि ये थोड़ा सा गैप से आगे रही, थोड़े से गैप से, और राइडर दोनों बराबर वेट था इसलिए परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं आया। और वो गाड़ी एक्सेलरेशन में थोड़ी स्लो है, टॉप एंड वाकई में उसका अच्छा है, लेकिन अभी ये एक्सेलरेशन से लेकर टॉप एंड तक आगे रही, तो इसके रिजल्ट एकदम खतरनाक आ गए हैं, क्या ही बताऊँ मैं। और बहुत मज़ा आया, मुझे सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया इस बाइक को भगा के। और 160, सोचो 160 बिना स्लिप ट्रिमिंग जा रही, यानी कि 160 प्लस जाएगी, हो सकता है लिमिटर आ जाए, वो देखा जाएगा बाद में। तो अभी देख सकते हो रिज़ल्ट क्या है। तो अभी हम लोग सेकंड अटेम्प्ट करने वाले हैं, और मैं आ गया हूँ जेन 2 ड्यूक पे, ओल्ड वाली जो कि 2023 मॉडल है, और निशान भाई को दे दी जेन 3। चलो भाई शुरू करते हैं। उसका 159 और उसका 154 फर्क है भाई, ज्यादा कह रहे, 5-6 के तो कम बता रहे हैं। अच्छा 6 का एरर तो है इसमें, 6-7 का। तो ये बाइक ले गया हूँ मैं 154, आज फर्स्ट टाइम बिना स्लिप ट्रिमिंग के 154 का। ये सोचो अपनी एज इधर से भगाते कितना चली जाती, वो तो चीर रही थी भाई। यही थे कुछ अपने रिजल्ट, बाकी देखे। और अभी आप लोगों ने देखा जेन 3 भाई पकड़ नहीं पाया मेरा, पता नहीं क्यों नहीं पकड़ पाया, हो सकता है लॉन्च पर। एक बार मैं आगे निकल गया उससे तो निकल गया, फिर टॉप एंड वो पकड़ लिए, क्योंकि आज विंड ब्लास्ट मेरे फेवर में था, इधर से तो फेवर में, उधर से फेवर में नहीं है, तो इस वजह से इसने टॉप एंड ज़्यादा अचीव किया है। वो गाड़ी 160 पे जाके रुक गई थी, 160 प्लस नहीं जाती है ये बाइक, 150 प्लस नहीं जाती। तो अभी आप लोग रिजल्ट देखा कि जेन 3 ड्यूक भाई सेम रिजल्ट आ रहे मेरे वेट पे, और इस थोड़ा सा मज़ा आ गया इस गाड़ी को चला के, थोड़ा सा ये फन टू राइड बाइक है। अगर मुझे नेकेड कोई पसंद तो ये 250 पसंद है, इसका परफॉर्मेंस, निशाल, हैंडल, पोस्चर सब कुछ बहुत बेहतरीन है। और एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि नई वाली ड्यूक का टॉप एंड बहुत अच्छा है, पर एरर भी ज़्यादा हो गया है उसी हिसाब से, अब क्या कर सकते हैं भाई हम। और आई होप आपको वीडियो मज़ा आएगा, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में ज़रूर बताना भाई कौन सी बाइक आपकी फेवरेट है।